देहरादून से बड़ी खबर, पुष्कर सिंह धामी होंगे प्रदेश के नए मुख्यमंत्री, ये तय हो गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया गया है। पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के नए मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, और कल से ही पुष्कर सिंह धामी का नाम चल रहा था मुख्यमंत्री की लिस्ट में, चेहरों में कौन कौन से शामिल हो सकते हैं, लेकिन आज सुबह होते होते और अब परिणाम आते आते कि कौन मुख्यमंत्री होगा, पुष्कर सिंह धामी का नाम लगभग तय माना जा रहा था और जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड लगातार बता रहा था कि पुष्कर सिंह धामी का नाम करीब करीब तय हो गया है, सिर्फ औपचारिकता ही बाकी है और वो औपचारिक ऐलान भी हो गया है। पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। कुमाऊं का प्रतिनिधित्व इस बार उत्तराखंड का नेतृत्व करेगा और पुष्कर सिंह धामी खटीमा से विधायक हैं। राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी ऑफिस में मौजूद हैं। राहुल मिश्रा, राहुल खबर पर मोहर, पुष्कर सिंह धामी अगले मुख्यमंत्री? जी, हम लोगों ने बहुत प्रमुखता से पहले ही चला दिया था कि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री होंगे और इसमें नाम का यहाँ पर सीधे तौर पे नाम पर मोहर यहाँ लग गई है और पुष्कर सिंह धामी अब जो अगले मुख्यमंत्री होंगे और आप उसको देख भी सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो उनके समर्थक हैं पुष्कर सिंह धामी के, वो यहाँ पर अब पहुँच चुके हैं और इसका खबर को हम लोगों ने बहुत पहले ही बता दी थी कि पुष्कर सिंह धामी का नाम लगभग तय हो चुका है, उनके नाम पर मोहर लग चुकी है और यहाँ उसका हलचल भी देखने को मिल रही है। तमाम जो समर्थक हैं उनके, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, वो सारे के सारे समर्थक यहाँ अब उनके जो कहा जाए तो नारेबाजी भी यहाँ की जा रही है, उनके समर्थन में अब यहाँ पर नारेबाजी होना शुरू हो चुकी है और तय इसमें नाम की घोषणा वहाँ पर कर भी दी गई है। विधानमंडल की जो बैठक थी उसमें नाम की घोषणा कर दी गई है और उस पर सर्वसम्मति से उस नाम पर मोहर भी लगा दी गई है। तो पुष्कर सिंह धामी अब अगले जो मुख्यमंत्री हैं वो रहेंगे यहाँ उत्तराखंड के, अगले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे। अब देखना ये होगा राहुल, मंत्रिमंडल को लेकर कुछ खबर आई है क्या? मंत्रिमंडल बात चुकी है, जैसे ही बैठक यहाँ से खत्म होती है शपथ कब लेंगे पुष्कर सिंह धामी? राज्यपाल के यहाँ अपना जो समर्थन का लेटर है, समर्थन का पूरा लेटर वो लेकर के जाएंगे वहाँ पर और राज्यपाल से मिलने के लिए वहाँ जाएंगे, राज्यपाल को अपना समर्थन वहाँ पर सौंपेंगे। उसके बाद ये सभी यहाँ से कल ये माना जा रहा है कि उसके बाद ही कहीं सीधे तौर पे उसके बाद यहाँ पर उनको नाम की घोषणा होने के बाद, उसके बाद समर्थन के बाद उनको चुना गया है और उसके बाद शपथ ले सकते हैं। तो ये एक जो नाम हम लोगों ने चलाया था उस नाम पर लगभग अब पूरी तरीके से सहमति बना दी गई है और वो नाम अब सहमति बन चुकी है इस पे और सहमति उनके नाम के पर। सहमति बनने के बाद राहुल शपथ कब मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेंगे पुष्कर धामी? मुख्यमंत्री पद की शपथ कब लेंगे राहुल पुष्कर धामी? देखिए मैं आपको दो चीजें मैं पहले ही दिखा रहा था कि जो गाड़ी, जिस गाड़ी से उनको जाना है उस गाड़ी को, वो गाड़ी भी उनकी आ चुकी है और उस गाड़ी में ही बैठ करके और उसके बाद वो लोग राजभवन जाएंगे। राजभवन जाने के बाद वहाँ से राजभवन से कब समय मिलेगा, माना यह जा रहा है कि आज या कल में उनको शपथ भी लेंगे क्योंकि पहले राजभवन में जाकर के और जो समर्थन होता है, समर्थन का जो लेटर होता है उस लेटर को वहाँ पर वो देंगे और लेटर को देने के बाद, समर्थन के लेटर को देने के बाद वहाँ से फिर उसके बाद वो निकलेंगे और उसके बाद जो एक फाइनल जो समय होता है उस फाइनल समय के अनुसार जो शपथ लेने का उसके अनुसार ही वो शपथ लेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है जो हम लोग प्रमुखता से पहले से ही चला रहे थे कि पुष्कर धामी का नाम लगभग तय हो चुका था जब हमने चलाया, उसके बाद ये नाम का फाइनल हो चुका है, यहाँ पर नाम को फाइनल कर दिया गया है, यहाँ पर उसकी घोषणा भी कर दी गई है, पार्टी में घोषणा कर दी गई है और उसके आपसी तौर पे समर्थकों का हुजूम यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं, जो समर्थक हैं उनके वो सारे के सारे यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और वो सीधे तौर पे उनका जो एक जो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कौन रहेगा, उसके ऊपर से एक पर्दा सीधे तौर पे उठ चुका है। यहाँ पर नाम की घोषणा हो चुकी है, यहाँ पर फाइनल नाम पे मुहर लग चुकी है, पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री के तौर पर बनाया गया है मुख्यमंत्री के। राहुल, चर्चे मुख्यमंत्री के लिए कई चेहरों पर थे,
लेकिन पुष्कर धामी उन चेहरों से आगे निकलकर मुख्यमंत्री बन गए हैं, बनने जा रहे हैं, शपथ लेंगे तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, नाम फाइनल हो गया है। बीजेपी का यह फैसला बीजेपी के लिए कितने ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है? देखिए, क्योंकि मैंने पहले ही, क्योंकि समीकरण जो है जातिगत समीकरण के साथ साथ में क्षेत्रीय समीकरण को साधना सबसे ज्यादा जरूरी था, और इसमें साफ सही तौर पर दिखा जाए कि गढ़वाल मंडल, ठीक है राहुल, हम दर्शकों को ये बता दें पुष्कर सिंह धामी इनका राजनीतिक करियर क्या रहा है। लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं पुष्कर सिंह धामी खटीमा विधानसभा सीट से। उधम सिंह नगर की ये सीट है, खटीमा कुमाऊं क्षेत्र में आता है उधम सिंह नगर जिला। 2012 में भी खटीमा सीट से ही जीते थे पुष्कर सिंह धामी, और भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं पुष्कर सिंह धामी। 2010 से 2012 तक शहरी विकास अनुश्रवण इस मामले में अपनी भूमिका निभाई है। और राहुल, कई जगहों पर पुष्कर सिंह धामी ने संगठन के तौर पर युवाओं के संगठन भारतीय जनता युवा का मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष भी दारुमदार संभाला है, तो ये अनुभव काम आएगा सरकार चलाने में पुष्कर सिंह धामी का? और जाहिर सी बात है, सीधे तौर पे कहा जाए कि अनुभव काम करेगा, युवा नेता हैं और सीधे तौर पे युवा मोर्चा को भी इन्होंने नेतृत्व किया है। और एक सबसे बड़ी चीज़ है कि जो फैक्शंस हैं, जो बीजेपी में यदि कहा जाए उस फैक्शंस को साधने में सबसे ज़्यादा ये कामयाब होंगे। इनको माना जाता है कि इनके जो राजनीतिक गुरु भगत सिंह कोश्यारी रहे हैं, इनके राजनीतिक गुरु, और भगत सिंह कोश्यारी के ही गुरु यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत भी रहे हैं यहाँ पर, और उसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत के भी जो गुरु रहे हैं वो भगत सिंह कोश्यारी। तो यहाँ पर सीधे तौर पे एक जो फैक्शन से नाराजगी रहेगी उस सभी चीज़ों को यहाँ पर साधने की यहाँ पर कोशिश यहाँ रहेगी। साथ ही साथ यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है कि जो क्षेत्र को है, क्षेत्र को साधने की जरूरत जिस नेता को चाहिए था वो वहाँ पर कहीं सीधे तौर पर पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है। उसके अलावा यदि कहा जाए कि युवा है, युवा नेतृत्व है, और इसलिए क्योंकि 2022 का चुनाव है, तमाम जो चुनौतियाँ हैं उन चुनौतियों के मद्देनजर ही, और आपको मैं दिखा दूं कि अब यहाँ पर विजुअल्स की यहाँ पर बैठक में से अब धीरे धीरे हलचल बढ़नी शुरू हो गई, अब यहाँ से लोग निकलना शुरू हो चुके हैं, और ये कहा जाए कि अब देखना होगा कि आखिर में पुष्कर धामी अब कितने बजे कैसे निकल करके और कितने बजे जाते हैं वहाँ पर। लेकिन लगभग जो नाम तय फाइनल कर दिया गया, नाम तय होने के बाद अब यहाँ से सभी के सभी अब बाहर की तरफ निकलेंगे, और उसके बाद जाकर के उसके बाद अरविंद पांडे से बात करिए। राहुल धामी जी हमारे विधानमंडल दल के नए नेता बने हैं, मैं उनको शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ, और निश्चित ही संगठन ने बहुत अच्छा चुनाव किया है। आने वाले टाइम में निश्चित ही हम 6 महीने के लिए नहीं, हम आने वाले 6 साल के लिए सरकार बनाएंगे। ये अरविंद जी ये कहा जाए कि कहीं एक पूरा एक क्षेत्रीय समीकरण भी साधने की कोशिश की गई पुष्कर सिंह धामी के नाम। इन सब पुष्कर सिंह धामी बाल्यकाल से संघ के स्वयं सेवक है, संगठन को समझते हैं, और उनका बाल्यकाल से उन्होंने संगठन में त्याग बलिदान किया, ये उसका फल है, और निश्चित ही इनके नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ेगी, सरकार आगे बढ़ेगी, पार्टी आगे बढ़ेगी। और इसमें क्योंकि अब बैठक खत्म हो चुकी है, बैठक खत्म और कब जा रहे हैं, कब राज्यपाल के पास जा रहे हैं? बस अभी तय करेंगे, पार्टी के नेता हमारे बैठे हैं पार्टी, और कब शपथ का कब है? अभी सब अभी तय, अभी आ जाएगा सूचना, अभी कोई इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है, चर्चा नहीं, लेकिन राज्यपाल के पास आज ही जा रहे हैं। तौर पे मंत्री अरविंद पांडे ने यहाँ पर मोहर लगाई है कि राज्यपाल के पास जा रहे हैं, और आपको मैं दिखा दूं कि नए मुख्यमंत्री अब यहाँ पर अब निकलने के लिए खत्म हो चुकी है, इसके बाद जो एक रूपरेखा है उसको तैयार की जाएगी, रूपरेखा तैयार करने के बाद उसमें तो पुष्कर धामी नए मुख्यमंत्री बने हैं उत्तराखंड के, ऐलान हुआ है विधानमंडल की बैठक में, विधायकों ने पुष्कर धामी को अपना नेता चुना है, और अब से कुछ देर बाद पुष्कर सिंह धामी समर्थक लेटर के साथ राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात करेंगे, उनको अपना समर्थन सौंपेंगे, उसके बाद शपथ कब लेंगे इसको लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं आई है, क्योंकि इस पर बताया जा रहा है कि तय नहीं हुआ है, लेकिन संभवतः जल्द से जल्द शपथ लेना चाहेंगे पुष्कर सिंह धामी, और जल्द ही इसका ऐलान भी होगा। पुष्कर सिंह धामी कौन है ये हम आपको लगातार बता रहे हैं,
राजभवन से कुलदीप नेगी हमारे साथ जुड़ गए क्योंकि पुष्कर सिंह धामी बीजेपी ऑफिस से सीधे राजभवन पहुंचेंगे। कुलदीप, क्या जानकारी मिल रही वहां पर? देखिए, जिस तरीके से हमने अपने सूत्रों के जरिए ये बताया था कि बीजेपी कुछ नया उत्तराखंड में कर सकती है, तो ठीक वही तस्वीर नजर आई। पुष्कर धामी को मुख्यमंत्री का बीजेपी ने तय किया है कि पुष्कर धामी उत्तराखंड के अब नए मुख्यमंत्री होंगे और अब तक कुछ ही देर के बाद वो राजभवन पहुंचेंगे। राजभवन में पूरी तैयारियां चल रही हैं, जो तैयारियां शपथ ग्रहण को लेकर करनी है राजभवन में वो तैयारियां अंदर चल रही हैं और ये माना जा रहा है कि अब तक कुछ ही देर के बाद वो राजभवन पहुंचेंगे, जो समर्थन पत्र है वो राज्यपाल को सौंपेंगे सरकार बनाने का। दरअसल पुष्कर धामी एक युवा चेहरा होने के साथ ही विधायक तो है ही, लेकिन साथ ही में एक युवाओं के बीच में एक अच्छा चेहरा भी पुष्कर धामी का रहा है। खासतौर से इस वक्त जो समीकरण साधने की कोशिश की है बीजेपी ने, उसमें कुमाऊं का समीकरण भी साधा और एक युवा चेहरा दिया है। अब ऐसे में उनके सामने ये भी चुनौती सामने खड़ी होगी कि किस तरीके से आगे वो पार्टी ने जिन उम्मीदों के साथ उन्हें एक नई जिम्मेदारी सौंपी उन पर खरा उतरते हैं, लेकिन एक युवा चेहरा उत्तराखंड की राजनीति में देने के बाद एक बड़ा संदेश भी बीजेपी की तरफ से दिया गया है। अब तो कुछ ही देर के बाद पुष्कर धामी राजभवन पहुंचेंगे और राज्यपाल को पत्र सौंपेंगे। जो तैयारियां हैं राजभवन में वो तैयारियां पूरी चल रही हैं, हालांकि अभी फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि केवल मुख्यमंत्री ही शपथ लेते हैं या फिर पूरी जो कैबिनेट है वो शपथ लेती है। ये भी सोर्सेस से जो जानकारी मिल रही है कि बहुत ज्यादा रिशफलिंग इस वक्त नहीं होगा, बीजेपी कोई बहुत ज्यादा रिशफलिंग करने के मूड में इस वक्त नहीं है क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, तो ऐसे में बहुत ज्यादा रिशफलिंग करके या विभागों में बिल्कुल वो रिशफलिंग ज्यादा देखने को उस वक्त भी नहीं मिली थी जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर तीरथ सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया था कुलदीप, और अब तो समय भी कम है। लेकिन अब दो सवाल मेरे महत्वपूर्ण है, पुष्कर सिंह धामी चुनौती क्या रहेंगी और बीजेपी को चुनौती से कैसे दूर ले जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी जो चुनौती रहेगी उनके सामने प्रशासन की चुनौती रहेगी। विधायक वो जरूर है और पार्टी संगठन का भी उनका अनुभव है क्योंकि युवा मोर्चा में वो अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, लेकिन जो प्रशासनिक अनुभव यहाँ पर जरूरत पड़ेगी उत्तराखंड को चलाने में, प्रदेश को चलाने में, क्योंकि अब जो उनके ऊपर जिम्मेदारी है प्रदेश में किस तरीके से विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा, समय बहुत ज्यादा उनके पास नहीं है और प्रशासनिक अनुभव उनका बहुत ज्यादा नहीं है, तो ये देखना होगा कि किस तरीके से वो प्रशासनिक अनुभव का अपना परिचय देते हैं, क्योंकि राजनीतिक अनुभव भले ही उनके पास में हो, विधायक को लगा रहे हैं और युवा चेहरा भी है, लेकिन प्रशासनिक अनुभव जो एडमिनिस्ट्रेटिंग बिल्कुल वो अनुभव को दिखाना होगा कुलदीप, लेकिन बाकी बड़े नाम चाहे वो सतपाल महाराज हो, धन सिंह रावत पिछली बार भी चर्चा में थे, इस बार भी चर्चा में रहे लेकिन वो चर्चा में ही रह गए। पुष्कर सिंह धामी का नाम हम चला रहे थे लगातार, हरक सिंह रावत का नाम चल रहा था, विशन सिंह चुफाल का नाम चल रहा था, इतने सारे नामों को पीछे छोड़कर पुष्कर सिंह धामी आगे आए, इसके पीछे कारण क्या रहा? देखिए, जिस तरीके से हमने पिछली मर्तबा देखा था कि लगातार कई नाम चल रहे थे, विधायकों में से नाम चल रहे थे, इसके अलावा ये भी चल रहा था कि अगर किसी सांसद को भेजा जाता है तो वो सांसद कौन चेहरा हो सकता है, लेकिन जब नाम सामने आया तो एकदम सरप्राइजिंग नाम था, तीरथ सिंह रावत को बीजेपी ने आगे किया और कुछ ऐसा ही इस बार भी देखने को मिला है। दरअसल इसके पीछे एक बड़ा संदेश तो बीजेपी ने दिया ही है, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और भगत सिंह कोश्यारी जो कि राज्यपाल भी हैं, उनके करीबी भी बताए जाते हैं पुष्कर धामी, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि हो सकता है कहीं ना कहीं ये भी एक वजह रही हो कि वो पुष्कर धामी का जो अपना ही अगर राजनीतिक अनुभव है वो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन चेहरा बेहतरीन चेहरा युवाओं में खासतौर से देखे तो बेहतर चेहरा उनका पुष्कर धामी का है, तो चर्चाएं कई तरह की है, लेकिन बीजेपी ने जो तमाम सारे समीकरण है उन समीकरणों को देखने के बाद ही यह तय किया कि पुष्कर धामी को उत्तराखंड की कमान, उत्तराखंड की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। ये देखिए क्या हो रहा है, तैयारियां राजभवन में चल रही है, सैनिटाइजेशन भी यहाँ पर किया जा रहा है, कुछ ही देर के बाद जब काफिला यहाँ पर पहुंचेगा सीमित संख्या में जो लोग हैं उनको अंदर जाने दिया जाएगा। तस्वीर कुछ और दिखाना मैं आपको चाहूंगा कि सैनिटाइजेशन यहाँ पर राजभवन में चल रहा है, यह राजभवन का मुख्य गेट है जो फिलहाल के अभी बंद कर दिया गया है, बाद में इसे खोला जाएगा, सीमित संख्या में ही जो चाहे मीडिया कर्मी हो या फिर जो लोग हो उन्हें प्रवेश दिया जाएगा जब शपथ ग्रहण होगा, लेकिन अभी जो काफिला पहुंचेगा उनका वो यहाँ पर
जरूर सीमित संख्या में जो लोग हैं उनको ही अंदर जाने दिया जाएगा और जो समर्थन पत्र है उसको लेकर वो यहाँ पर पहुंचेंगे। जी बिल्कुल कुलदीप, तस्वीर हम देख पा रहे हैं राजभवन के गेट की, जहां पर सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है और कुछ देर में यहां पर नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचेंगे। कुलदीप